आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ अभी का सिचुएशन में जो भी है, हम लोग को पता है एकदम दुनिया पूरा जो कोरोना वायरस के चलते सब लोग डर है। इस सिचुएशन में हमको जैसे अपना आप को बचाना है उसके लिए मैं 2-3 पॉइंट्स बता रही हूँ, सो आपको यूजफुल रहे। सबसे मेन तो बेसिक प्रोटेक्शन है, हमको पता है मास्क पहनना है, हैंड वॉश करना है, जैसे क्राउड में नहीं जाना है, ये सारा हमको गवर्नमेंट अभी बता रहे हैं, सबको ये पता है। इसमें भी एक मिथ है कि हम लोग अभी ऐसा सिचुएशन है कि मास्क खत्म हो गया, सैनिटाइजेशन खत्म हो गया, सो आपको इसके लिए भी टेंशन नहीं, क्योंकि मास्क ऐसे एक प्रोटेक्शन है जिसको कफ है, जिसको वीसिंग प्रॉब्लम है, जिसको ऑलरेडी पॉजिटिव है, जो उस सिचुएशन में अगर हॉस्पिटल में एंटर हो रहे हैं उन्हीं के लिए जरूरी है। अगर हेल्दी पर्सन है, आपको कफ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको जरूरी नहीं है वो पहनना, क्योंकि मास्क का भी जो रेट एकदम से बढ़ा रहे तो सब लोग जाके खरीद रहे एकदम से पैनिक होके, उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप हेल्दी पर्सन है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है, आपको हैंड वॉश कर लीजिए, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर लीजिए। नॉर्मली कफ अगर रहेगा तो आपको मास्क पहनना जरूरी है, नहीं तो आप उस सिचुएशन में जाएंगे, हॉस्पिटल के अंदर एंट्री होगा, नहीं तो कोई बीमार पर्सन को आप जाके मिल रहे हैं उस टाइम आपको अपने आप को मास्क का जरूरत रहेगा, नहीं तो नॉर्मली ज़रूरत नहीं है। और सेकंड थिंग है कि आपको क्या अपने आप को रेसिस्टेंट पावर को बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि ये वायरस जिसके अंदर ज़्यादा अटैक करते हैं, जिसके अंदर इम्यूनिटी पावर कम है, जैसे बच्चा हो गया, जैसे एजड पर्सन हो गया, आफ्टर 50-55 ईयर्स पर्सन हो गया, ऑलरेडी किसी के अंदर बीमार है, कोई भी बीमार से ऑलरेडी बॉडी है, उस पर्सन के लिए ये एकदम से जल्दी वायरस अटैक होता है, क्योंकि ये वायरस वीक बॉडी में जल्दी अटैक कर लेते हैं। अगर अडल्ट पर्सन को ऑलरेडी हेल्दी पर्सन है उसके अंदर इतना प्रॉब्लम नहीं रहता है, क्योंकि मेनली इसके लिए प्री वैक्सीनेशन नहीं है, कोरोना वायरस के लिए प्री वैक्सीनेशन अभी तक नहीं फाइंड आउट हुआ, इसलिए अपना रेसिस्टेंट पावर को बढ़ाना ही इसके सॉल्यूशन है। तो रेसिस्टेंट पावर, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए क्या करना है, मेनली हमको सिट्रस फ्रूट्स वगैरह लेना है, ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, आंवला हो गया, और टर्मरिक हो गया, हल्दी हो गया, जिंजर है, लहसुन है, ये सब हमको पता है, इसको इंटेक करना है। ये अभी मैं एक सॉल्यूशन बता रही हूँ, वो जो पानी के रूप में आपको बना के दिन में 3-4 बार पीना है, ताकि आपको इम्यूनिटी के बढ़ाने के आपको मदद करेंगे। लेमन आपको जितना लोग है उतना आप पानी का बोतल लेके उसमें लेमन ऐड करना है, जैसे भी आप लेमन जूस बनाते हैं उस टाइप के लेमन को जूस बना दीजिए, उसमें हनी ऐड कर लीजिए, जिंजर ऐड कर लीजिए, और आप लहसुन भी 2-3 पीस लहसुन को भी पीस के डाल दीजिए, और हनी नेचुरल होना चाहिए, मिक्स करके दिन में 3-4 बार उसको पीना है। और आपको हॉट वाटर का सेवन करना है, क्योंकि हॉट वाटर लेने से अपने शरीर में हॉट वाटर लेना इस कंडीशन में बहुत अच्छा है, और सन का एक्सपोजर आपको ज़रूरी है, क्योंकि ये जो हॉट सरफेस में वायरस नहीं रहता है, क्योंकि जैसे हमको पता है इंडिया में तो हम ब्लेस्ड है कि हमको सनराइज मिलता है, ये सारा नेचुरल चीज़ हमको ऑलरेडी ब्लेसिंग है हम लोग, सो हम लोगों के लिए इतना ज़्यादा हानिकर नहीं है जितना हम लोग पैनिक होके जैसे सब लोग को देख के डर रहे। और एक सिचुएशन है कि कोरोना वायरस आने के बाद सब लोगों का डेथ होगा, ऐसे एक मिथ है, वो ऐसे नहीं है। आपकी अगर इंक्यूबेशन पीरियड है, इंक्यूबेशन पीरियड 14 डेज है, अगर आपके शरीर के अंदर अगर कोरोना वायरस आ गया तो वो एक्सपोज होने में इतना इंक्यूबेशन पीरियड है, उस टाइम आपको फीवर होगा, उसके लिए आप हॉस्पिटलाइज होके आइसोलेट करके आप उसकी मेडिसिन ले सकते हैं। आपके शरीर के अंदर रेसिस्टेंट पावर अच्छा अडल्ट का है तो आप रिकवर होके बाहर आ सकते हैं। आपको अगर ब्रीथिंग का प्रॉब्लम नहीं, आस्थमा का प्रॉब्लम नहीं, और कोई बीमारी नहीं है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से रिकवर हो सकते हैं, बट अपना आपको आइसोलेट करना बहुत ज़रूरी है। और एक पॉइंट मैं बता रही हूँ, क्योंकि सनलाइट हो गया, आपको जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाले जो
थिंग्स है मैंने आपको बता दिया, जो भी है उस पानी को आपको रेगुलर लेना है। और ब्रीथिंग एक्सरसाइज एकदम हर एक वीडियो में मैं ऑलरेडी ब्रीथिंग एक्सरसाइज बोल रही हूँ, इसके लिए ब्रीथिंग एक्सरसाइज बहुत जरूरी इसलिए कि क्योंकि ये लंग्स को इफेक्ट करता है। तो आपको प्राणायाम अनुलोम विलोम 15 मिनट्स आपको रेगुलर करना है, ये नॉर्मल पर्सन को भी करना है क्योंकि आगे भी हमको कोई भी वायरस का अटैक नहीं होने के लिए हमको ये सब चीज़ हमेशा करने से क्या है ना, ऐसे आज कोरोना वायरस हो गया कल कोई भी और वायरस आ जाएगा तभी हमको डरने की जरूरत नहीं, हम अपने आप को फिट रखेंगे। तो सो इस कंडीशन में आप ये सब कुछ कर सकते हैं। एक एक्यूप्रेशर पॉइंट मैं बता रही, अगर मैं ये सब कुछ भी नहीं कर सकती, मेरा सिचुएशन ऐसे नहीं है, अब बैठे बैठे एक एक्यूप्रेशर पॉइंट को एक्टिवेट कर लीजिए, आपको इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। वो एक LU7 लंग्स चैनल 7, आपको जो थंब है ये थंब का नीचे इधर एक क्रीज है, लाइन है, ये आपका थंब का इधर एक क्रीज लाइन है, इधर से आपको 1.5 थोड़ा सा आगे इस जगह पे ये नेल का साइड से इधर एक्सैक्टली इधर आ जाएगा, ये पॉइंट LU7 बोलता है, लंग्स चैनल 7, इसको आपको एक्टिवेट करना है। ये आपका दोनों हाथ में करना है, ये आपका LU7 पॉइंट है, इसको आप एक्टिवेट करने से आपको इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। सो एक्यूप्रेशर पॉइंट को बैठे बैठे आप एक्टिवेट कर सकते हैं, दिन में 3 मिनट्स नहीं तो 3 टाइम जैसे आपको सुविधा हो आप इसको एक्टिवेट करके अपने आप को अपना इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं। सो इस सिचुएशन में जो वायरस है अपना आंखों में नहीं दिखता है, जितना भी आप मास्क प्रोटेक्ट करो जो भी करो वो एक बेसिक प्रोटेक्शन है, बट अपना अगर शरीर के अंदर वायरस आ गया अगर उसको प्रिवेंट करने के लिए आप ऑलरेडी हेल्दी रहेंगे, आपके शरीर के अंदर रेसिस्टेंट पावर अगर है तो कोई भी वायरस अंदर जाएगा तो वो बाहर निकलेगा निकलेगा, आपको हार्म नहीं करेंगे। सो आप हमको क्या करना है, अपना बॉडी को हमेशा हेल्दी रखने के लिए अच्छा फूड खाना है, अच्छा लाइफस्टाइल रखना है, रेस्ट लेना है। अगर किसी को अगर बीमार है सबसे मेन आपको रेस्ट लेना जरूरी है। इस सिचुएशन में आपको उधर उधर घूमना नहीं है, आउटिंग नहीं जाना है, आपको रेस्ट लेना है और फास्टिंग बेस्ट है। अगर आप हो सकता है इस सिचुएशन में रिकवरी के लिए आपको लाइट फ्रूट्स नहीं तो लाइट खिचड़ी टाइप का खाना खा के एकदम रेस्ट लेना, फास्टिंग सबसे अच्छा है। अगर आप अपना शरीर के अंदर फास्टिंग दे ना उस टाइम रिकवरी चलते रहते हैं, आपके शरीर में रिकवर चलते रहेंगे, आप सोचेंगे बहुत सारा खाएंगे हमारा इम्यूनिटी बढ़ेंगे, उससे अच्छा है आपको शरीर को फास्टिंग कर दो ताकि आपके शरीर अच्छा प्रोसेस में इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे, ये सिचुएशन से बाहर आएंगे। सो कोरोना वायरस आने के लिए भी प्रिवेंट करने के लिए भी मैंने बता दिया, अगर आ गया तो भी आपको ये सब रेस्ट ले लीजिए और फास्टिंग ले लीजिए, नहीं तो हेल्दी ऑरेंज आंवला और लेमन ऐसे पपाया कीवी ये सब इंटेक आप ले लीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ साथ LU7 एक्टिवेट कर लीजिए, प्राणायाम जरूर कर लीजिए। सो ये सिचुएशन में इंडिविजुअली हेल्दी रख लीजिए और क्राउड में मत जाइए, क्राउड में जाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाता है, इसलिए तो गवर्नमेंट ने भी छुट्टी बोल दिया, तो हमको आइसोलेट करके अपना आपको रखना है। सो डरने की कोई ज़रूरत नहीं। एक और बात है कि कोरोना वायरस के चलते सबको एक ही किसी को आ गया तो डेथ होगा, ऐसे ज़रूरी नहीं है सब लोग डेथ ही हैं, मतलब आपकी रेसिस्टेंट पावर आपको आइसोलेट करके रखने के बाद आपको रिकवर होने के टाइम पीरियड है और टाइम पीरियड के बाद आप रिकवर हो सकते हैं। ये एकदम मिथ है कि सब लोग मर रहे वायरस अटैक आ गए, तो जो कमज़ोर है जो एकदम एजड है जो रेसिस्टेंट पावर नहीं है ऑलरेडी बीमार है उनके लिए वो थोड़ा सा डेंजर है, नॉर्मली किसी को अगर आ गया तो आप के बाहर आ सकते हैं। वो आने के प्रिवेंशन के लिए आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज और ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो भी इंटेक लेना है और एक्यूप्रेशर पॉइंट मैंने बता दिया, कुछ भी नहीं कर सकते एटलीस्ट आप एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिवेट कर लीजिए, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा से आप अपना रेसिस्टेंट पावर को इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं। अगर किसी के अंदर आपको लगता है मेरे को कोरोना वायरस है डाउट है आप अपना आपको भी टेस्ट कर सकते हैं, आप स्ट्राइक बैठ के ब्रीथिंग ले लीजिए और 20-30 सेकेंड आप ब्रीथ को होल्ड कर लीजिए, अगर आपसे नहीं होल्ड हो रहा है आप एकदम खफ आ रहा है तो आपको थोड़ा सा चेक करने की ज़रूरत है। आप सब जगह अभी सुविधा है, अगर आपको डाउट लगे तो आप टेस्ट करके इसको फाइंड आउट करके अपना आपको आइसोलेट करके प्रॉपर उस प्रोसेस में चले जाइए, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा।
सो मेरा ये वीडियो अगर पसंद आ गया तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।